पता नहीं ये सब क्या हो गया है, और ये सब आज ही होना था। पता नहीं हम केदारनाथ जा पाएंगे भी या नहीं। बहुत दुखी है हम, सच में बहुत दुखी है। गुड मॉर्निंग, आज है 15 सितंबर और अभी हम निकल रहे हैं फाटा के लिए चोपटा से। अभी हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है। ये देखिए बादल पूरा हमारे ये रूम तक आ गया था। सुबह बहुत बारिश हो रही थी, बहुत सुबह से बहुत बारिश हो रही थी। डर लग रहा है, भगवान करे हमारा हेलीकॉप्टर कैंसिल ना हो, क्योंकि हमारा स्लॉट 3 बजे का है। तो अभी बजा है 8:30 बजे, हम फाटा तक, फाटा हेलीपैड जा रहे हैं। फाटा हेलीपैड तक हम शायद पहुँच जाएँगे टाइम से। और बाकी बारिश ना हो, वेदर क्लियर रहे, क्योंकि मैंने अभी हेलीपैड वाले को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि अभी हेलीकॉप्टर्स नहीं चल रहे, मौसम ख़राब है। तो अभी तो दिख रहा है यहाँ पे तो बादल धीरे धीरे पीछे की तरफ जा रहे हैं, बट वी डोंट नो, देखते हैं। तो मंत्रम होम से हम चोपटा से चेकआउट कर रहे हैं। चोपटा से चेकआउट करके हम जाएंगे टूवर्ड्स फाटा के तरफ। अराउंड 2 घंटे में हम पहुंच ही जाएंगे। मौसम ख़राब था सुबह से, तो हम थोड़ा सा बाय बाय वगैरह कर लेते हैं मंत्रम होम्स के ओनर को। बहुत ही अच्छा रहा हमारा स्टे। इस खूबसूरत व्यू को देख के बहुत ही सुकून मिल रहा है। तो हम अभी चोपटा से निकल के फाटा के तरफ जा रहे हैं। फाटा सोनप्रयाग से पहले आता है, सोनप्रयाग से 16 किलोमीटर पहले है फाटा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जैसे कि सबको पता है, 5 किलोमीटर है, और उसके आगे पैदल ट्रैक होता है केदारनाथ के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे हेलीपैड्स हैं, गुप्तकाशी में है, सिरसी में है, फाटा में है। तो हमारा जो बुकिंग हुआ है वो फाटा में हुआ है। तो आगे चल के देखते हैं हमारा जर्नी कैसा रहता है, क्या रहता है। और फिलहाल देखिए कि बादल के साथ साथ हम जा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ देख के। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और इन खूबसूरत वादियों को कैसा लग रहा है आपको, आप अपना फीडबैक मुझे दीजिए, अपना कमेंट, अपना ओपिनियन मुझे दीजिए। और मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। कीप वॉचिंग माय चैनल।
ये ट्रक जो आपको दिख रही है हेवी लोड ट्रक है, ये फंस गई थी यहाँ पे, बहुत मुश्किल से इसको निकाला गया। और देखिए पीछे थोड़ा सा जाम भी लग गया है, तो मैंने उसका शूट नहीं किया क्योंकि हम मेरा मूड ऑफ हो गया था तभी जब वो ट्रक फंस गया था। और एकदम पीछे तरफ जाता ना तो ये गाड़ियाँ भी सब उसके साथ ही चले जाती थी। देखिए मंदाकिनी नदी, बारिश हो रही है बहुत। बारिश तो लगातार हो रही है पर अभी थोड़ा सा कम हुआ है। अभी पुलिस वाले भी है, रोड्स पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। एक गाड़ी उधर से आ रही है तो ये गाड़ी रुक जाएगी, और ये गाड़ी जाएगी तो उधर से आने वाली गाड़ी रुक जाएगी। ये देख देख के जाना है क्योंकि ये रोड केदारनाथ के तरफ ही जा रहा है। हमने केदारनाथ का रूट पकड़ लिया है और क्यों जगह जगह पर पुलिस भी है, और ऐसे देख सकते हैं ऐसे छोटे मोटे लैंडस्लाइड्स है ही हैं वहाँ पर भी। नज़ारे भी अच्छे हैं और साथ ही साथ ही लैंडस्लाइड्स भी हैं। थोड़ा देख के टर्न लेना है, हॉर्न वगैरह मार के आपको टर्निंग लेना पड़ेगा, वरना सामने से अगर गाड़ी आती है तो कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इतने खूबसूरत नज़ारे भी हैं उसके साथ साथ। केदार घाटी हमको फाइनली दिख गई। देखिए वो स्नो पीक माउंटेन, वो केदार घाटी है। तो आप किलोमीटर्स देख सकते हैं, फाटा अभी यहाँ से 16 किलोमीटर है। तो हम फाटा पहुँचे नहीं हैं उसके, हमारे पास बहुत टाइम है अभी, 11 ही बजे हैं।
और हम एडवांस में पहुंच गए। हमारा टाइमिंग 3 से 3 के बाद है हमारा हेलीकॉप्टर, तो बहुत टाइम है, फाटा हार्डली 10 किलोमीटर ही है, हम पहुंच जाएंगे। हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे रुक के थोड़ा फ़ोटो वोटो ले ले। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर गांव हैं उत्तराखंड में, आपको ऐसे ऐसे गांव बहुत देखने मिलेंगे। और केदार घाटी भी हमको दिख रही है, तो वो जो राइट साइड पर है वो गुप्त काशी है, देख सकते हैं हेलीकॉप्टर भी उड़ रही है। गुप्त काशी से ये हेलीकॉप्टर जा रही है टूवर्ड्स केदारनाथ। रोड्स बीच बीच में ख़राब है, ये रोड देख सकते हैं, उसका मार्किंग किया गया है, वो धस गई है वो रोड मानसून में। कितने सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स है रास्ते भर, ऐसे वाटरफॉल्स बहुत ही देखने मिल रहे हैं हमको। और अगर हम पैदल ट्रैक करके जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारे और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगे, देख सकते हैं। खूबसूरत भी है और साइड बाय साइड बीआरओ वाले भी काम करे हमारे यात्रा को खूबसूरत बनाने के लिए, बीआरओ वाले हमेशा लगे रहते हैं। हमने सोचा है यहाँ पे थोड़ा रुक के फ़ोटो वोटो ले ले, तो हम थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे रुक गए। फाटा पहुंच चुके हैं, फाटा पहुंच के हमने ले ली है एक टर्न ऊपर के तरफ, जामू विलेज जा रहे हैं जहां पे हमारा हेलीपैड है। हमारा हेलीपैड फाटा से थोड़ा सा ऊपर जाना है जामू विलेज के तरफ, वहां पे हमारा हेलीपैड है। तो चलिए चल के देखते हैं कि हमारा कौन सा हेलीपैड है, चलिए चल के आगे मिलते हैं। Thank you.
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे हेलीपैड के पास। हमारा है थंबी हेलीपैड और हम अपने हेलीकॉप्टर का वेट कर रहे हैं। ये देखिए हेलीपैड का नज़ारा, उसके बैकग्राउंड का नज़ारा। ये हेलीपैड है और ये देख सकते हैं वहाँ पे भी एक हेलीपैड है। ये ग्लोबल वेक्ट्रा है, जो अभी उड़ रही है वो ग्लोबल है वेक्ट्रा है, और हमारा वाला जो है वो है थंबी एविएशन। तो हम आज के पहुँच चुके हैं थंबी एविएशन हेलीपैड में, और हमारे पास में ही ग्लोबल वेक्ट्रा का भी हेलीपैड है। और देखिए ये है केदार घाटी, वहाँ से हमको दिख रही है, पूरे बादल घिरे हुए हैं। और हमारी जो ये हेलीकॉप्टर है वो उड़ के आ रही है, फाइनली देहरादून से ये उड़ के आ रही है हमारे तरफ। देख सकते हैं थोड़ा लेट हो गया आज हेलीकॉप्टर को आने में, मौसम ख़राब था इसीलिए हेलीकॉप्टर लेट आई। ये देहरादून से अभी आ रही है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में पहले सब कुछ पैसेंजर सभी जा रहे हैं टूवर्स केदारनाथ। पता नहीं हमारा नंबर कब आएगा, पर जो पहले के पैसेंजर से जो सुबह से वेट कर रहे हैं, हमारा तो लेट का स्लॉट है, वो अभी उड़ के जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल बजे हैं 12 बजे, दोपहर के 12 12:30 बजे हैं। तो हम बस हेलीकॉप्टर का इंतज़ार करें। देखिए सनफ्लावर कितना सुंदर लग रहा है, मौसम भी एकदम क्लियर हो चुका है। ये देखिए कितने सुंदर सनफ्लावर हैं यहाँ पे, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इस हेलीपैड का। यहाँ पे छोटे होम स्टेज भी हैं, ये देख सकते हैं ये एक होम स्टे है। तो अगर ज़रूरत पड़ा तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। देखिए हेलीकॉप्टर वापस आ रही है पैसेंजर्स को वापस लेके, अभी दूसरे सेट ऑफ पैसेंजर्स जाएंगे। तो देखिए पैसेंजर्स हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। सबका सबका बारा है।
एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हेलीकॉप्टर का टेक्निकल फॉल्ट निकला है जिस वजह से पैसेंजर्स बहुत समय वेट किए और बहुत झड़प हुई हेलीपैड वालों से। अभी पता नहीं ये उड़ पाएगी या नहीं, एक पार्ट आना है तो हमको आज रात को स्टे करना पड़ेगा और पता नहीं आगे क्या होगा। स्टे ट्यून्ड गाइस।